लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे को मालूम था तू लोचा करने वाला है। वो सिनेमा हॉल याद है? कैरन अंदर से कैसी है, कैरन बाहर से कैसी है? बोल दो क्या उसे सब कुछ? प्यार किया तो डरना क्या? बता दे कि कैरन, अब तो सभी लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो चुके हैं, पर एक काम करते हैं, हम शादी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि तेरे से प्यार व्यार तो करता नहीं मैं, और लव के बिना लव मैरिज कैसे हो सकती है? अरे ये नहीं हो सकता, कैरन की तरफ से ना हो जाए। तू पागल हो गया क्या? वो काहे को ना बोलेगी? वो ना नहीं कहेगी, उसका बाप ना कहेगा। वो कैसे? मिस्टर फर्नांडिस बहुत गुस्से वाला आदमी है। हाँ तो गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। नमस्ते अंकल। विस्की यंग मैन? क्या अंकल आप भी, मैं कोई खानदानी दारूबाज लगता हूँ जो हर वक्त चढ़ाता रहूं, मगर आप तो पियो पियो अंकल। अंबा, अंबिका, अम्रपाली, अमिता, अमूल्या। माँ को अंबिका पसंद है, भाभी को अमूल्या, मुझे कुछ भी चलेगा। आप क्या कहते हैं? मैं समझा नहीं। नाम आपकी बेटी के लिए? कैरन। अब नया नाम तो रखना ही पड़ेगा ना, शादी के बाद क्रिश्चियन थोड़ी ना रह जाएगी वो। और हमारे पंडित जी कहते हैं कि जन्म तिथि के अनुसार कर्क राशि में उसका नाम अम से शुरू होना चाहिए। अम? What? What the hell are you talking about, young man? Conversion का बात तो कोई नहीं किया। इसीलिए तो young man आया है यहाँ पे बात करने। देखिए हम लोग, एक मिनट, आपकी बेटी ने नॉनवेज तो छोड़ दिया है ना? No meat, no chicken, no eggs, none of bloody nonsense. शुद्ध शाकाहारी। और जब शादी के बाद वो आपसे मिलने आएगी तो ये घर भी शुद्ध शाकाहारी। और ये, खैर अभी तो ठीक है, मगर शादी के वक्त जब आप पूजा में बैठेंगे तो। कौन पूजा? पूजा में नहीं बैठेंगे आप लोग? जिस नस्कल ने कहा हम पूजा करेंगे। डैड वो तो कह रहे थे कि सब कुछ ऑब्वियस है, फर्नांडिस भी समझदार है, ये आप सब कर लेगा। बट भैया सेड नो, बुढ़े की मोटी खोपड़ी में बात बैठी नहीं होगी, तुम जाके समझाओ। और मैं आ गया। I can't believe this conversation. Oberoi, Naren, उस वक्त तो कितना सेक्युलर बन रहे थे, और तुम? हाँ? तुम तो कह रहे थे तुम रिलिजन को नहीं मानते जब तुम मैरिज प्रपोज करने आए थे। शादी शादी, I mean, हमारे समाज में मैरिजेस नहीं होती। अच्छा अब याद आ रहा है तुम्हारा अपना समाज। मिस्टर फर्नांडिस प्लीज, हमारे समाज के विरुद्ध कुछ ना कहिए, ये हमारे रिवाज हैं, और अंबिका की खातिर आपको इनका पालन करना ही पड़ेगा। अंबिका, अंबिका ही बेस्ट नाम लग रहा है मेरे ख्याल से। तुम अपने ख्याल अपने पास रखो, यू जर्क। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग माइनॉरिटी है तो तुम लोग हमको दबा दोगे और हम दब जाएगा? चलो मेरे बिना बोले ही आप समझ गए, बाकी सब भी आप समझ जाओगे। हाँ। चलो अच्छा हुआ ये बातें हो गई, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। नाउ फॉर सम व्हिस्की अंकल। Out! Out of my house! अंकल चिल, आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो रहे हैं? गर्म? अगर मैं गर्म हो जाता तो तेरी डेड बॉडी जाती थी यहाँ से। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, शादी तोड़ने से पहले आप जरा सोच लीजिए। अच्छा है कि मैं सिर्फ शादी तोड़ रहा हूँ, तेरी गर्दन नहीं। ऐसी बातें मत कहिए अंकल, मैं जानता हूँ कल आप खुद सर झुकाकर कैरन को हमारे घर भेजेंगे। तुम जैसा कमीना लोग का घर में कोई अपना कुतिया भी नहीं भेजेगा। मिस्टर फर्नांडिस प्लीज, ये बात हमारे दोनों के बीच है, आप कैरन को कुतिया मत कहिए। सैड व्हाट द हेल कैरन, यू रास्कल,
I'll kill you. तेरा बदन की सब हड्डी तोड़ के तेरा बाप के हाथ में दे देगा. Next time I see you, you're dead. Ah shit. Whoa, man. वो शादी तोड़ देगा. I did it. सुना मैंने. Shit, Karen. Vijay. You witch. Karen, क्या हुआ? अच्छा तुमको तो पता ही नहीं क्या मुझे हुआ, सच में नहीं पता क्या हुआ. So innocent, huh? Like a baby. यही मासूम चेहरा बना के तुम फंसाती हो लड़कों को. हाँ गोवा जाके तुम दोनों की हेल्प करूंगी. प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्यूज मी, मेरे फियांसे के दिमाग में पॉइजन भर रही है ताकि वो मेरे घर आए और रिश्ता तोड़ दे. आई नो ओके, तुम्हारी वजह से वो मुझे अवॉइड कर रहा है. अदिति डोंट ट्राई टू फूल मी ओके. कौन फियांसे? विरेन. विरेन, कुछ कंफ्यूजन है, सच में मैं सच्ची नहीं जानती. अदिति ऑलराइट, यू आर एन इनसिक्योर वुमन. मौका मिलते ही तुम उसे चिपक गई और सांप की तरह धीरे धीरे करके उसे फंसा लिया. बट अदिति रिमेम्बर, जस्ट रिमेम्बर दिस, वो एक बार फिसल गया होगा इसका मतलब ये नहीं वो मुझे छोड़ देगा. तुम्हारा जो बकवास प्लान है ना अदिति, वो कभी पूरा नहीं होगा. आई जस्ट नीड टू टेल यू दैट. आंटी, समझ गई मैं, ये जो लड़की कह रही थी सब झूठ था. गोपाल ने जो देखा वो भी सब झूठ था. गोवा जाने वाली बात भी झूठी थी. सोनल ने जो कहा कि वीरेन ने तेरा हाथ पकड़ा वो सब झूठ था. मेरी सारी दुनिया ही झूठी है, बस तू एक सच्ची है, यही तो कहना चाहती है ना? दोस्त, ये स्टेप पार कर लिया तूने तो सब कंट्रोल में. हाँ. अंकल को सब बोल देना, डरना मत. डरता नहीं हूँ ओके, रिस्पेक्ट करता हूँ. बाप है मेरा. हाँ हाँ, करनी भी चाहिए. तू जा. ऑल द बेस्ट. मैं हूँ यहाँ पर. देखिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता. जी जी नहीं, ना मैं कुछ सुनना चाहता हूँ ना कहना चाहता हूँ. प्लीज आप फोन रख दीजिए. हद हो गई, आप सुनने को भी तैयार नहीं है क्या? हमें शौक है आपसे बात करने का? देखिए मिस्टर ओबेरॉय, मैं अपनी भांजी की शादी तय कर रही हूँ, और अगर आपका लफंगा बेटा यहाँ आस पास भी नजर आया. अरे मेरा बेटा तुम्हारे घर थूकने भी नहीं आएगा, समझे आप? खबरदार दोबारा यहाँ फोन किया तो. क्या बोल रही थी डैड? गुड इवनिंग डैड. कुछ नहीं, वही रट लगा रखी है कि ये अभी भी मल्होत्रा की भांजी में इंटरेस्टेड है. रिडिकुलस. उन्हें क्या मालूम है कि भाई साहब ने जमाने की नाक में दम कर रखा है कैरन के लिए. सुनो, अगर ये लड़की तुम्हें कहीं मिले ना तो फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कौन? अरे मल्होत्रा की नीस यार. हाँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत ही घटिया लोग हैं, और आफ्टर ऑल ये लड़के और लड़की का मामला है. कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे ये लोग हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं. कम है. 27 सितंबर कैसा रहेगा तुम्हारी शादी के लिए? डैड, वो क्यों, सितंबर बहुत जल्दी है क्या? नहीं. बहुत दूर है शायद. अरे बिग ब्रदर, समझाओ अपने किड ब्रदर को. समझ जाओ किड ब्रदर, जब 3 साल हिम्मत रखी है तो 3 महीने और सही. देखो, अभी तक हमने शादी की डेट तय नहीं की है. कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. अरे भाई कुछ तो कहो. कुछ नहीं. तो 27 सितंबर में पक्का समझो? जी. फाइनल जवाब? फाइनल जवाब. हेलो.
आज का आज, अभी इसी वक्त। अदिति। हाँ। थैंक गॉड 20 बार फोन ट्राई किया मैंने तुम्हारा। अच्छा कैरन आई थी क्या? वीरेन हो सकता है हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुन। ऐसा क्यों बोल रही हो? वीरेन तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है, अंदर मेरी शादी की बात चल रही है, हमारा फैसला हो चुका है। व्हाट यू मीन हमारा फैसला हो चुका है? हमारा फैसला हम करेंगे, कोई दूसरा करेगा? मेरी सिचुएशन को समझो तुम वीरेन। अंकल आंटी ने 7 साल मुझे रखा है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब कोई रास्ता नहीं है। अब तुम ऐसा नेगेटिवली सोचोगी ना तो फिर ऑब्वियसली कोई रास्ता नहीं होगा। और तुम कैसे समझाओगे सबको कि अब तुम्हें कैरन पसंद ही नहीं है? वही कैरन जिसके लिए तुमने सबसे लड़ाई की, जिसके तुमने सपने देखे थे। ये सपने सच क्यों हो जाते हैं यार? और होना ही था तो फिर मैंने तुम्हारा सपना क्यों नहीं देखा? मैं सपना नहीं थी वीरेन, मेरे लिए तुम्हें बस एक बार हाँ कहना था। तुम्हें हाँ ही तो कह रहा हूँ ना, मैं हाँ ही तो कह रहा हूँ। अपनी आंखें खोलो वीरेन, फॉर गॉड सेक बी प्रैक्टिकल यार, हमें हमेशा जो चाहिए वो नहीं मिलता है वीरेन। लिसन टू मी, मैं कैरन के फादर से मिला था। कोई आ रहा है वीरेन, मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है, तुम जल्दी वापस आ जाना, मैं यहीं वेट करता हूँ, हम फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ओके अब कुछ नहीं करना वीरेन, मैं नहीं आऊंगी वापस, बाय। तुम हार क्यों मान रही हो? हाँ सुनो मेरी बात वीरेन, प्लीज अब कुछ मत करना, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हो सकता, बाय। हो सकता है आदित्य, तुम तैयार है ना? नहीं वीरेन अब कुछ मत बोलना, बाय। आदित्य सुनो, बाय वीरेन। आपको बुला रहे दीदी। चल क्या बात है? भाभी मैं काफी दिनों से सोच रहा हूं। देखिए पहले सब लोग कैरन के अगेंस्ट थे, राइट? उनकी एक लॉजिक थी, आज हमने उन्हें मना तो लिया है, मगर क्या उनकी लॉजिक को गलत साबित किया है? कहते थे ना सब कि इस घर का तौर तरीका है, एक हमारे समाज वाली लड़की होगी तो फिर हैंडल कर पाएगी, जैसे आपने किया है। मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता हूँ, अब मेरी जिद पूरी करने के लिए पूरे घर में टेंशन भर दूं, ये मुझसे नहीं होगा। What do you say? ये वही लड़की है ना? तुम हो क्या वीरेन? हाँ तुमने हम सबका जीना हराम कर दिया था इस शादी के लिए, और अब जब सब कुछ फिक्स हो गया है तो कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अदिति चाहिए? तुम्हें कोई मेंटल बीमारी है क्या? भाभी एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी, ये सब करते हुए मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों? क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भाभी अदिति बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद आएगी, मैं जानता हूँ। नहीं वीरेन वो मुझे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जब भी मैं उसे देखूंगी मुझे ये धोखा याद आएगा जो आज तुमने मुझे दिया है। Thank you.
कहाँ हो तुम? ब्रेन तुम सही कहती थी, ये दुनिया हमें साथ नहीं रहने दे कहती थी, मगर रहना किसे इस दुनिया में? हाँ ये क्या है? ओ ये वो है, अदिति लड़की को अपना कमरा दिखाओ। I see, मुझे भी ये कमरा दिखाया गया था। हाय वीरेन। इधर है। अंदर है साहब। कौन? अदिति, मैं सब छोड़ गया, घर माँ बाप सब, मुझे उनके और तुम्हारे बीच किसी एक को चुना था, मैंने तुम्हें चुना है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते अदिति, हम दोनों अडल्ट हैं, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं सब संभाल लूंगा। अदिति छोड़, तुम जानती हो कि सच क्या है। अदिति तुम बस मेरे साथ चलो, और किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं है। छोड़ो इसे। वीरेन ये है महेश, मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने बताया था ना मैं बालकनी से कूद कर जाती थी, ये वही है। हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर अब सब क्लियर है। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ मैंने कहा था ना हार मत मानो। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलो वीरेन। बकवास मत करो। देखो ये हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, यहाँ गलती मत करना। मैंने फैसला कर लिया है वीरेन। लिसन टू मी विल यू? मैंने फैसला कर लिया है वीरेन, मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, समझ रहे हो तुम? ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। ले जाओ उसे। सॉरी यार महेश, ये सब क्या है? हमारा पागल है यार, कई दिनों से इसने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। नो प्रॉब्लम, आज के बाद इसका टंटा ही खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो, अभी कम से कम 25 शादियां करवा चुका हूँ जी। चावला के काम में कभी कोई नहीं, नहीं नहीं हो जाएगा जी। ऐसी कोई बात नहीं। उधर ले जाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबेरॉय, आप तो बड़ी बातें करते थे अपने लड़के के बारे में कि आपको उस पर कितना भरोसा है वगैरह, मगर आज जब मेरी भांजी को देखने लड़के वाले आए हुए हैं तो आपका वही बेटा चोरों की तरह मेरी भांजी के कमरे में घुस आया। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि आपके बेटे के साथ क्या करूं, इसको पुलिस में दे दूं, इसके हाथ पांव तोड़वा दूं। तो मैंने सोचा कि आप तो बड़े सयाने हैं, आप ही से पूछते हैं। नहीं मल्होत्रा साहब, मेरी राय मत लीजिए, आज तो यह साबित हो ही गया कि मेरी बातों का कोई मोल नहीं है। वो आपका गुनहगार है, आप जो चाहे कर सकते हैं उसके साथ। और जहां तक मेरा सवाल है, आज से उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या करना है इसका? पापा मेरी नजरों से तो इसे दूरी कर दो, वन में पता नहीं क्या कर जाऊंगा। इसे जो सुनना था अदिति ने इसे कह दिया ना, फुल एंड फाइनल। बोल रहे हैं। अच्छा, जो स्पीक टू यू, मिलने भी गई थी मैं तुमसे, यू सॉ मी
और तुम भाग गए? क्यों? विंसी, कहाँ गए थे तुम? विंसी, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? कल रात से मालूम है क्या हालत है मेरी? इतना हिम्मत है तुम्हारे में? पापा, यू गो इनसाइड। यू गो इनसाइड। इसको मैं देखता हूँ ना? प्लीज। ये सामने आया है ना? आई स्वेयर, अब ये अपने पैर से चल के वापस नहीं जाएगा। लिसन टू मी विंसी। विरेन, लेट हिम गो। जान से मार दूंगा इसे। आई विल किल द फादर। नथिंग इज लॉस्ट, ओके? लेट गो। तुम हो यहाँ, मैं हूँ यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। इट्स ऑलराइट। मैं डैडी से बात कर लूंगी, वो मान जाएंगे। बिलीव मी, वो मान जाएंगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ विरेन, हाँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ कैरन। मुझे मालूम है कि अगर मैं हाँ कह दूंगा तो सब कुछ वापस आ जाएगा, पर वो झूठ होगा। मैं क्या करूं? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। I'm sorry. मैंने जो आप लोगों के साथ किया बहुत बुरा किया, पर जो मैंने ऑलरेडी कर दिया वो मैं कैसे बदलूं? तो मैं खड़ा हूं आपके सामने, आपको जैसा लगे आप मेरे साथ कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डैड। मैं हमेशा आपसे डरता रहा हूं, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे नहीं डर रहा। अफसोस हो रहा है मुझे आपके ऊपर कि आपको मेरे जैसा बेटा मिला। आप हमेशा मुझे समझाते रहे ना, लेकिन मैं कभी समझा नहीं। और कल पहली बार मैं एक दिन में सब समझ गया। मैंने जो किया, एनीवेज सब खत्म हो गया, ठीक हुआ। ऐसे होना चाहिए था मेरे साथ, मगर जो आपके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। आपको जो बोला गया मेरी वजह से, यू डोंट डिजर्व दैट। आई एम सॉरी। मैं जहां भी जाऊंगा कोशिश करूंगा कि अपने आप को बदल लूं। इतना ही कहना था। सुनो, इधर देखो, मेरा बेटा है। आई लव यू माय सन। थके हूं मैं डैड, झूठ बोलते बोलते, जिम्मेदारियों से भागते भागते, पता नहीं ऐसे क्यों मैं हमेशा आपकी तरह बनना चाहता था, मगर नहीं बन पाया। चलो अंदर चलो, आइए रेडी। भाभी, जसवंत सिंह गाड़ी अंदर ले लो, चलो। सॉरी। चलो। पूजा, अनुज, चलो चलो इधर खेलो। अदिति है? हाँ जी।
एंगेजमेंट है आज? हाँ। लवली। मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। जी। महेश नाम है ना? हाँ। वरेण ने बताया। और शादी कब है? अगले महीने। इतनी जल्दी? ग्रेट। सो तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? हाँ। स्ट्रेंज, तुमको देख के लगता तो नहीं कि तुम खुश हो, पता नहीं क्यों। कैरन प्लीज, इस बारे में बात करके क्या फायदा है? जो होना था वो हो गया है ना? जो होना था वो हो गया, so simple, isn't it? नहीं अदिति, जो कुछ हुआ है वो अपने आप नहीं हो गया, तुमने किया वो सब। पहले तो सब कुछ ठीक था, वैसे ही रहने देती, लेकिन नहीं, तुमको बीच में आना था, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना था, और अब तुम किसी और से शादी कर रही हो? I mean, what the hell is happening? मैं जानती हूँ कैसे समझाया मैंने अपने आप को कि यही होना था। मैं जैसा वीरेन के बारे में सोचती हूँ वो मेरे बारे में वैसा नहीं सोचता, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे प्यार करता है और तुम उससे, तो फिर तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं हो? This is so ridiculous. Karen, please, इसके बारे में बात नहीं करते। अदिति, तुम और मैं और किस बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कोई तो रीजन होगा, पागल तो हो नहीं तुम, मुझे बताओ तुम, टेल मी। Karen, please, रहने दो। No, tell me, I have to know. मैंने अंकल से वादा किया था, वो जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करूंगी, ओके? बस, तुमने वादा किया था, that is all. तुमको पता है वीरेन किस हाल में है? हाँ? तुम हो क्या अदिति? Do you have a heart? तुम्हारे अंदर कोई feelings है? नहीं कैरन, मुझमें कोई फीलिंग्स नहीं है। I don't feel anything. मैं बस अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है किसी को नहीं है। कैरन, तुम क्यों आई हो यहाँ? प्लीज लीव, गो। प्लीज कैरन, गो। तुम क्या समझती हो ये जो तुम? I'm begging you, कैरन, प्लीज लीव। ऐसे ही तड़प रहा है वो भी, यही बताना था तुम्हें। पांच मिनट हाँ दीदी, एक बार ये शुरू हो गया तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ओके, बहुत देर हो चुकी है, शादी के कागज बट गए हैं, वापस नहीं लिए जा सकते और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो कुछ करना होगा तुम्हें खुद करना होगा। इस घर में हंगामा होगा, कुछ दिन टेंशन भी होगी, लेकिन पहले यही सब चाहते थे ना कि तुम वीरेन से शादी करो, तो हो सकता है बाद में जाकर यही कहें कि अच्छा ही किया अदिति ने। मतलब मैं क्या करूं? तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेहमान नीचे आ चुके हैं अदिति, कुछ ही देर बाद महेश भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुंच जाएगा, तुम्हें नीचे बुलवाया जाएगा और एंगेजमेंट की सेरेमनी शुरू हो जाएगी। बोलो क्या करना चाहती हो तुम, क्या कहता है तुम्हारा दिल? मगर वो एक्चुअली ये जो बालकनी है ना, यहाँ से उतरकर कई बार उतर चुकी हूँ मैं। अभी जाओगी? हाँ। Will you be okay? हाँ। चल, hurry up, okay? Okay. Come on. मैं दरवाजा देखती हूँ। बेटे, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे आप कहाँ?
अरे विरेन, आप कहाँ है वो? Do you have an appointment? कहाँ है वो? हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा ही होता है कि हम अपनी पुरानी नॉलेज भूल जाते हैं और वो ही नॉलेज वास्तु फंक्शुए वगैरह के नाम से वापस आ जाती है। स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टेबिलिटी के नाम पे आप लोगों ने काफी आर्किटेक्चुरल डिजाइंस रिजेक्ट किए हैं। मुश्किल है, ये बिल्डिंग काफी बड़ी है लेकिन ना तो ये रेड फोर्ट से बड़ी है ना पिरामिड से। अगर वो लोग उस जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी बिल्डिंग्स बनाने में कामयाब हुए थे तो सोचिए इस जमाने में हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। Marvelous, kid brother. Absolutely marvelous. Mr. Viren Oberoi. What? Viren, तुम अचानक यहाँ क्यों आए? Viren, is there a problem? Is something wrong? सब कुछ ठीक है ना? तुम सवाल ही पूछते रहोगे या मुझे जवाब देने दोगे यार? Listen, निर्मल ने देख लिया था। I know. You know, तो फिर जाओ ना यहाँ से। Viren, मेरी बात सुनो। Listen, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, okay? No. Don't tell me. तुम घर से भाग के आई हो? तुम भाग के यहाँ मेरी ऑफिस में आई हो ताकि हम दोनों भाग जाएं? ये तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, what's wrong with you? अच्छा, what's wrong with me? तुम मेरे कमरे में घुस आए थे और सबके सामने कहा कि भाग चलते हैं। तो तुमने भी मुझे निकलवा दिया था ना? ठीक है, तुम भी मुझे निकलवा दो, बुलाओ गार्ड को। गार्ड, छेक तो मुझे नहीं, तुम बदला लेना चाहते हो ना विरेन? Don't be stupid, yeah. I am stupid, yeah. God, पता है मुझे। पता है तो क्या कर लोगे? Nobel Prize दूंगा, okay? इस brilliant plan के लिए, wow. I don't believe it. I mean, कोई इतना बेवकूफ हो सकता है? हाँ? तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ आओगी और मैं खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे साथ जाने के लिए? हाँ, यही सोचा था मैंने। गलत थी ना मैं? Of course गलत थी। अदिति, तुम्हें एक्चुअली लगा कि ये पॉसिबल है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ओके? क्यों बात कर रहा हूँ मुझसे? भाग जाना कोई तरीका है क्या? यही मैं कहती थी विरेन। हाँ, पर अब सब कुछ बदल गया है, ओके? सब होने के बाद भी मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं बता रहा हूँ, तुम अपने घर वापस चली जाओ। विरेन, जिंदगी में कभी भी मुझे सलाह की जरूरत पड़ेगी ना तो तुम आखिरी इंसान हो जिसके पास मैं आऊंगी। क्यों यार, हर वक्त हर आदमी मुझे यही क्यों कहता है? हाँ, मैंने क्या कहा कि तुम घर चले जाओ? गलत कहा? मेरी एंगेजमेंट चल रही है घर में विरेन। एंगेजमेंट? तुम अपनी एंगेजमेंट छोड़ के उन्हें मालूम है कि तुम भाग गई हो? पता नहीं। उन्हें पता नहीं या तुम्हें पता नहीं कि उन्हें पता नहीं? ओके, एनीवेज, तुम अब क्या करोगी? पता नहीं। ये क्या बकवास है यार, पता नहीं तो पता करो। वैसे भी तुम्हें क्या यार, मैं जो भी करूं। हे, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो यार? तुम इतना भाव देख क्यों रहे हो यार? जाओ ना अपने डैड के पास, वो लेकर आएंगे कोई ऐसी वाली जिसको भाव नहीं देना पड़ेगा। विरेन, अब मैं अपने डैड की चॉइस पे कैसे भरोसा रखूं? हां, उनकी पहली पसंद तो तुम थी और तुम तो अपनी एंगेजमेंट से भाग के आ गई हो यार। लिसन, मेरे दिल ने जो कहा मैंने एटलीस्ट किया, ओके? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने गलत किया, ओके? मैं बस अभी यहां से चलकर बाहर जाना और गायब हो जाना बिना कपड़ों के सिवाय, ये और पैसे भी कम है। आई मीन इट्स ऑल अजीब यार, आई मीन इट्स रिडिकुलस। ऐसा होता है क्या जिंदगी में? तो तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? तुम जानती हो क्यों आया हूं? नहीं जानती, बता मुझे। क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। टैक्सी। आई अंडरस्टैंड कि और कोई रास्ता नहीं रहा मगर भाग कर। अच्छा, सुनने में कैसा लग रहा है? भाग गए? ओके विरेन, समझ गई। गुड, अच्छा हुआ कि तुम समझ रही हो। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। चलो
कहाँ? अभी सीधे लेना, मैं बाद में बोलता हूँ। We are ready, Dad. ये वीरेन नहीं आया अब तक? इतनी जल्दी नहीं आएगा वो, वक्त लगेगा, कुछ हफ्ते शायद, एक आध महीना, फिर दोनों आ जाएंगे। दोनों? कूल डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में, ओके? आराम से बात करके। और ये अच्छी जगह है बात करने के लिए, ये टैक्सी, यहां में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारे ऑप्शंस चूज करके, सारे ऑप्शंस, ओके? क्योंकि फ्रैंकली अदिति स्पीकिंग, भाग जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओके? एंड लेट्स बी रियलिस्टिक। एक बात बताओ, अगर मैं मिसेज मल्होत्रा और मिस्टर मल्होत्रा के यहां जाके इस लड़की का हाथ मांगूं, ठीक नहीं लगेगा? इतना सब होने के बाद नाक कट जाएगी अपनी ना डैड ये। मगर आज अगर ये दोनों कुछ कर जाएं तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा।